रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर के बयान से नाराज होकर प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने मंत्री मोहम्मद अकबर के घर का घेराव किया, साथ ही मटका फोड़कर जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि मोहम्मद अकबर ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी करने वाले बयान का खंडन किया। हमारे संवाददाता नंदलाल सिंह ठाकुर ने महिला मोर्चा से खास बातचीत की। भारतीय जनता महिला मोर्चा जो है शराब को लेकर यहां पर जो है रैली निकाली है और जो है अकबर मोहम्मद अकबर के जो है निवास स्थान का घेराव करने के लिए निकल पड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है महिला मोर्चा जो है रोड पर उतर आई है और जो है शराब को लेकर जो है झूठे कसम खाए थे। इस प्रकार से जो है झूठे कसम खाने को लेकर महिला मोर्चा की यहाँ पर जो है घेराव करने के लिए मोहम्मद अकबर का यहाँ पर निकले हुए हैं और गंगा जल की जो है खाए थे झूठी कसम, इसको लेकर यहाँ पे महिला मोर्चा जो है रोड पर उतर आई है। और हमारे साथ मिनल चौबे निगम से हैं और हमारे साथ जो है शालिनी सिंह राजपूत जी हैं। बिल्कुल हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहल की थी और महिला कमांडो ग्रामीणों में बनाया था, शहरों में बनाया था, जन जागरण का एक कार्यक्रम चलता था। और दूसरे नंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो दुकानें थी उसे बाहर किया जा गया था शहर से और कम किया गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार ने पहल की थी, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ झूठ बोल रहे हो और झूठ बोल के वादा कर रहे हो और वो भी गंगा जल ले को आप कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार सिर्फ महिलाओं से झूठ बोल रही है। इनके जो अकबर मंत्री है उस दिन उन्होंने प्रेस वार्ता किया और ये कहा कि हमने गंगा जल की कसम नहीं खाई थी, कुल मिला के सिर्फ झूठ बोल रही है। तो ये ऐसी सरकार का झूठ का घड़ा भर चुका है और उसको फोड़ने के लिए महिला मोर्चा मैदान में उतरी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के भी सरकार 15 साल तक थी, उस पर क्यों शराबबंदी नहीं किया गया? हमने झूठा वादा नहीं किया था, जो उन्होंने व्यवहारिता की बात अभी कर रही है वो हमको पहले से अंदाजा था। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शनै शनै शराबबंदी की ओर बढ़ रही थी, मगर अपने घोषणा पत्र में हमने कभी ये वादा नहीं किया कि हमने शराबबंदी का वादा करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने तो गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया कि हम शराबबंदी करेंगे। ऐसी झूठम्मी झूठी निकम्मी बेईमान और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिलाओं के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केवल शराबबंदी की बात क्यों करते हैं, पूरे नशाबंदी की बात भाजपा क्यों नहीं करती? हम शराबबंदी के साथ पूर्ण नशाबंदी की भी बात करते हैं, पर इन्होंने शराबबंदी का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था, पहले वो तो करके दिखा दे उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? जब तक अपने घोषणा पत्र के अनुरूप शराबबंदी नहीं करेगी कांग्रेस सरकार, तब तक हमारा प्रदर्शन। तो बिल्कुल जो है महिला मोर्चा जो है रोड पर उतर आई है और यहाँ पर जो है मोहम्मद अकबर के निवास का जो है घेराव करने के लिए निकल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि कितना सार्थकता होता है इनका जो है मोहम्मद अकबर का निवास घेराव, और साथ ही में ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तविक में शराबबंदी प्रदेश में होगा या नहीं। कैमरा पर्सन हरीश राव के साथ मैं नंदलाला सिंह ठाकुर, अनादि टीवी, रायपुर।